फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आईबीपीएस क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट और आईबीपीएस पीयू में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल है। देखिए, दो तीन क्वेश्चन तो हमेशा ही देखने को मिलते हैं इसके। आप कितने भी पेपर देखे बैंकिंग के, तो आपको ये एक ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इन टर्म्स ऑफ इस तरीके की पजल्स आजकल पूछी जाती हैं, जो कि आपका एबिलिटी भी टेस्ट कर सकती हैं और एक पजल के रूप में इनको काउंट भी किया जा सकता है। तो एग्जामिनर इसको डालना पसंद करता है एज कंपेरेटिव टू जो बेसिक ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं, उनकी अपेक्षा इनको डालना ज़्यादा पसंद करता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे, सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दो क्वेश्चन लिए हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ईजी क्वेश्चन है। तो पहले हम अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लेना, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन, देखिएगा। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसी तरीके का आपको पजल गिवन होगा, इसको हमें सेट करना है ऑर्डर एंड रैंकिंग की टर्म में। जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और पजल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस हैं इसके, वो हम कराएंगे सॉल्व और आप इस सेशन का लुफ्त उठाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। WTA रैंकिंग होती है, आप जानते हैं टेनिस की। इसमें सेरेना, गार्विन, स्वेतलाना, एलिना, वीनस और सेमेंथा मार्टिना और मेडिसन, ये सारे प्लेयर्स के नाम हैं, आप जानते होंगे इनको। इन सभी के अलग अलग रैंक और अंक दिए हुए हैं। अब देखिए, नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे दिए, तो ये भी एक फंसाने का तरीका होता है कि हम अगर नाम लिखेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो आप इनका जल्दी से जल्दी शॉर्टकट बना लें नामों का, अलग एक दूसरे को कर सकें उन नाम, मतलब जो भी आप शॉर्टकट बनाएंगे, जैसे कि सेरेना को मैं SR लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं गार्विन को मैं लिख रहा हूँ GB, ठीक है, गार्विन को मैंने GB लिख दिया। इसके बाद स्वेतलाना को मैंने लिख दिया SV, ठीक है, इसके बाद एलिना को मैंने लिख दिया EL, ठीक है, इसके बाद वीनस को मैंने VN, कुछ भी लिख दीजिए आप अपने हिसाब से, जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, SAM, मैंने सेमंथा को सैम लिख दिया, और मार्टिना को मैंने MAR लिख दिया दोस्तों, ठीक है, और इसके बाद मेडिसिन को मैंने MAD लिख दिया। अब ये मैंने अपने नोटेशन दे दिए और आप इनके अपने हिसाब से कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी बना सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। आप इनसे बाहर वेरिएबल्स को नहीं लेके जाएंगे, बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, टाइम बचाएंगे। देखिए, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। अब बस इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। आसानी क्यों? क्योंकि जिस वे में हम सॉल्व करेंगे उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वैसे आसान नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिएगा, मार्टिना के अंक 9308 हैं, ठीक है, और आपको पता है ये सभी है ना अलग अलग रैंक और अलग अलग अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि अगर रैंक और हमारे जो अंक हैं, है ना, रैंक और जो हमारे अंक हैं, जो कि हमारे पॉइंट्स लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो पॉइंट्स की अगर बात की गई है तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे उसकी रैंक अच्छी होगी। मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, उसकी रैंक अच्छी होगी। तो मतलब अगर सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे तो उसकी फर्स्ट रैंक होगी। चीज समझ लेना, देखिए बेसिक कंसेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। तो वही चीज मैं आपको बना रहा हूं, जब आप पजल सॉल्व करेंगे ना इस तरीके की, देखिए बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं कि जिससे आपकी स्पीड भी बूस्ट अप हो अगर एग्जाम में आ जाए, और आप ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन कभी पहले किया नहीं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो आपको पता है कि पहली रैंक जिसकी होगी उसके पॉइंट ज्यादा होंगे, तो वो रिलेशन हमें बना के चलना है। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको चीज समझ में आ रही होगी, है ना। अब हम इसको लेके चलेंगे, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, अब पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था जिसमें गलती करते हैं लोग, ठीक है। अब इस पजल को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। मार्टिना के अंक 9308 है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो मार्टिना को मैंने MAR माना था, इसके है 9308, आपको साफ दे रखा है 93, तथा उसका रैंक मेडिसिन से कम है, जो हमारा मेडिसिन है MAD, उससे कम रैंक है। मतलब आपको पता है मार्टिना, मतलब मेडिसिन का जो MAD का रैंक है वो ज्यादा है, मतलब वो अच्छे अंक लेके आया है अपेक्षा मार्टिना के, ठीक है। तो MAR की अपेक्षा ज्यादा अंक हैं इसके, ठीक है। इसके अंक तो हमें पता है कितने हैं, 9308। आई थिंक आपको ये पहला क्ल्यू सेट करने में कोई समस्या नहीं होगी। आगे पढ़ते हैं, सेरेना की रैंक एलिना तथा गार्विन से बेहतर है। तो सेरेना है ना, SR लिया है मैंने सेरेना,
कि रैंक एलिना, जो मैंने हमने ई एल माना है एलिना, ठीक है, देखिए शॉर्टकट लेके चलेंगे तो कितना आसान हो जाने वाला है, वह ठीक है गार्बिन से बेहतर रैंक है। अब आपको समझ में आ रही है, तो इसकी रैंक बेहतर है ना, तो इसके पॉइंट भी इन दोनों से ज्यादा होंगे। चीजें वही है, चीजें समझने की, बस समझने समझने का तरीका है, जिस वे में समझेंगे उस जिम्मे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको पता है गार्बिन, यहां भी एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं आपका हाथ के हाथ ही, कि एलिना और गार्बिन से बेहतर रैंक सेरेना की है, लेकिन इन दोनों में कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है दोस्तों। आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि हमें इनका कुछ नहीं पता कि ये आगे है या ये पीछे है, या फिर एलिना का कोई कंपैरिजन हम गार्बिन से कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहां हम दिमाग नहीं लगाएंगे, फटाफट से हम अगला कंक्लूजन पढ़ेंगे दोस्त, मतलब जो अगला हमारे पास क्लू दे रखा है वो पढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्लू क्या दे रखा है कि बेहतर है जबकि श्वेतलाना की रैंक वीनस से बेहतर है, ठीक है। श्वेतलाना को मैंने एस वी से लिया है, उसकी रैंक वीनस से बेहतर है, तो वी एन से बेहतर है, तो ये भी एक हमारे पास क्ल्यू हो गया। देखिए सिर्फ क्ल्यू आ रहे हैं लेकिन हम एक साथ इनको सेट करने वाले हैं, वही ऑर्डर एंड रैंकिंग की पजल हो जाती है, समझ रहे हैं। इनको हम एक साथ सेट करेंगे और आसानी से आंसर दे देंगे, ठीक है। अब बोला क्या है हमारे उसके बाद, जिसके 9607 पॉइंट है। अब ये बताइए जिसके जो अगर आ जाए तो कौन सा वाला लेते हैं हम, पीछे वाला। पीछे वाला कौन है, वीनस है। पीछे वाला नाम कौन है, वीनस के अंक है ये, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। ये बोला है जबकि श्वेतलाना की रैंक वीनस से बेहतर है जिसके 9607 पॉइंट है, तो जिसके किसके, वीनस के, जिसके जिसके पास होगा वही उसके पॉइंट होंगे, तो वीनस के पॉइंट है 9607। तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं 9607 इसके पॉइंट है वीनस के, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा और दिखता रहेगा एग्जाम में भी, रफ कॉपी में आप लिखते हैं तो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, किसी भी खिलाड़ी के सर्वाधिक अंक 9801 है, तो मैक्सिमम रैंक जिसकी भी होगी उसके अंक कितने हैं, 9801, ये मैक्सिमम वाला है, ठीक है। तो यह मैंने मैक्सिमम लिख दिया और ये सबसे पहले आएगा, लेकिन हमें पता नहीं है कौन है, ठीक है। तो यहां भी जो हमारा फर्स्ट जो होगा, जिसकी फर्स्ट रैंक होगी वो यहां पे आएगा, जिसके 9801 पॉइंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, गार्बिन के अंक 9504 हैं, तो गार्बिन की भी बात भी कर दी गई है यहाँ पे, तो गार्बिन के अंक 9504 हैं। देखिए हाथ के ऐसे लिखेंगे तो आपके निगाह में अगर गार्बिन की बात आएगी तो ये अंक भी दिखेंगे, ऐसे ही आपको रफ कॉपी में बना के चलना है दोस्तों, है ना। आई थिंक आपको मेरा वे अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली मैं आपको क्लासरूम वाला एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। जो चीज समझ में नहीं आती वो लिखिए कमेंट बॉक्स में, सारी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व मैं कर दूंगा दोस्तों, है ना। तो आप देखते हैं इनको सॉल्व करते हैं फटाफट से। गार्बिन के अंक 9504 हैं तथा उनकी उसकी रैंक सामंता से बेहतर है। गार्बिन की रैंक है ना, एक क्लू क्या आया है, गार्बिन की रैंक सामंता से बेहतर है, तो सामंता था जो ऐसे एम माना था उससे बेहतर है गार्बिन की रैंक, और इसके अंक कितने हैं 9504 दोस्तों। आई थिंक आपको यह भी चीज समझ में आ गई। इसके बाद क्या है, तीसरे रैंक वाले खिलाड़ी के पॉइंट 9703 हैं। अब आप चीज समझिए, फर्स्ट रैंक ये हो गया, ठीक है, सेकंड ये हो गया, ठीक है, सेकंड पे यहाँ पे कुछ भी अंक आ जाएंगे जो भी हमें पता नहीं है अभी। थर्ड रैंक के जो अंक हैं वो कितने हैं, साफ तौर पे दे रखे हैं इसने थर्ड रैंक वाले के 9703 थर्ड रैंक वाले के अंक हैं। ये तो फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, लेकिन हमें नाम तो अभी तक कुछ पता नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं है। ओके दोस्तों, अपना लास्ट पॉइंट क्या है, ये हमने सेट कर दिया यहां तक, सेमंता की रैंक मेडिसिन से बेहतर है, तो सेमंता की जो रैंक है वो मेडिसिन से बेहतर है, तो मैंने ऐसे इसको लिख दिया दोस्तों, है ना। इसके बाद श्वेतलाना से कम है जिसके 9707 अंक हैं, तो आपको पता है ये श्वेतलाना से कम होगा, जो सैम होगा वो श्वेतलाना से कम होगा और मेडिसिन सबसे कम होगा ही, ठीक है। इस तरीके से हमने डिजाइन किया है इसको, श्वेतलाना के पॉइंट दे रखे हैं आपको 9707 अंक, तो इसके इतने अंक हो गए। अब इनको सेट करने हैं सारे क्लूज को मिला के, बस यही तो ट्रिकी है इसमें, सब कुछ अभी अब तक कुछ पता नहीं है हमें कि कैसे किस तरीके से सेट होगा, और फिर क्वेश्चंस भी इंटरेस्टिंग होंगे, तो बिल्कुल आसान नहीं है इसको सॉल्व करना, और आपको अच्छा लगेगा जो नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं इसके क्लू को कंसोलिडेट करते हैं और इनको सेट करते हैं, पजल को किस तरीके से सेट करेंगे, बस अपने पास कुछ भी नहीं बचा है, अब बस क्लू सेट करने हैं अपन को। देखिएगा दोस्तों कैसे करते हैं, अब दोस्तों ये सारे क्लूज हैं इनको हम सेट करते हैं और अपनी पजल को जमाते हैं। देखिए कैसे करते हैं, अब आपको पता है ये सबसे छोटा है क्योंकि 9308 दिख रहा है मार्टिन, और उससे बड़ा क्या है, मेडिसिन है, ठीक है। और यहां 9707 इसकी बात की गई है, तो हम अंक से भी इसको जमाएंगे क्योंकि यही तो रिलेशन निकालना है हमें कि कैसे जमाना है। सबसे पहली बात हम देखते हैं फर्स्ट कौन हो सकता है मैक्सिमम, यहां सेरेना है ना, एलिना और इससे बड़ा है, तो मैं सेरेना को लेकर चलता हूं सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा अगर मैं सेरेना को लेकर चलता हूं तो इसके बाद में ये फर्स्ट रैंक है हमारे पास, ठीक है,
और इसके बाद क्या दे रखा है, इसका 9801 आपके पास गिवन है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सेरेना को बड़ा क्यों लिया, क्योंकि सेरेना का किसी के साथ भी ऐसा रिलेशन नहीं है कि इससे कोई बड़ा हो या इससे कोई छोटा हो, ऐसा कोई बात नहीं कही है। तो देखिए यही क्ल्यू होता है आपको पकड़ने का एग्जाम में, आप जल्दी से इस चीज को पकड़ लेंगे ना तो आप 2 मिनट में इसको सेट कर पाएंगे। तो सेरेना सबसे बड़ी है और इसमें सबसे बड़ी रैंक हो गई, तो 9801 इसके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो इसकी रैंक फर्स्ट है और 9801 पॉइंट हो गए। अब बात आती है थर्ड बात की, है ना, जो हम थर्ड पे क्या जमा चुके हैं पहले ही, थर्ड वाले किसके थे, थर्ड था 9703 पे, है ना। लेकिन आपको पता है जो एस बी है श्वेत लाना, जो हमने माना है एस बी को, उसके कितने पॉइंट है, 9707। तो ऑब्वियस ही बात है थर्ड पे जब 9703 है, थर्ड पे जब 9703 है हमारे पास, तो पहले क्या आ जाएगी, श्वेत लाना जो भी एस बी है, जिसके पॉइंट हो जाएंगे 9707। आई थिंक आपके ये जो ट्रिक थी पकड़ने की कि हम किस तरीके से इनको डिजाइन करें ऑर्डर एंड रैंकिंग में, आपको समझ में आ रही होगी कि श्वेतलाना क्यों आई यहाँ पे और कैसे हमने पहचाना, ठीक है। अब बात आती है 9703 हो गया, अब इसके बाद आपको ऐसा क्या पॉइंट लग रहा है जो आपको देखिए श्वेतलाना से बड़ा है, श्वेतलाना जिससे बड़ी है वो कौन है, वेन, ठीक है, जो वेनस है, जो अपने वी एन माना है, वेनस माना है, वो श्वेत लाना से बड़े है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं वेनस को यहां रखता हूं, वेन जो हमने माना था नोटेशन, ठीक है, तो इसके पॉइंट 9607 दे रखे हैं दोस्तों, आपको दिख रहा है इसके पॉइंट 9607 दे रखे हैं, तो क्या ये यहां सेटिस्फाई हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके पॉइंट तो 9703 होने चाहिए, तो वेनस है जो यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्ल्यू समझ में आ रहे होंगे जो मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये सब आपको करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि सेरेना फर्स्ट कैसे आया, बीच में हमने जब कंपेयर किया पॉइंट्स का तो साथ साथ पॉइंट की भी पजल चल रही है, तो जो हमारा एस बी है वो हमने बीच में ले लिया। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पे, अब आपको बात की, अब आपको पास क्लू ये है कि सेरेना से वेन को ले लूं, लेकिन वेन तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि थर्ड पे तो 9703 है, तो ये जाएगा फोर्थ पे, तो वेन फोर्थ पे चला गया, लेकिन इसके पॉइंट आपके पास गिवन है 9607, तो मैंने यहां पे इसको डिजाइन कर दिया इस तरीके से। आई थिंक आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं क्लू और ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, अब मेरे को एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों कि जीवी है जो हमारे पास, और एलेना और जीवी सेरेना से, सेरेना है जो सबसे बड़ी है और एलेना जीवी इससे छोटे हैं। अभी तक हमारे पास जीवी की तो बात है, तो ऑब्वियसली बात है जीवी के पॉइंट दे रखे हैं 9504। जितना मुझे पता है कि मैं सबसे पहले जीवी लगाऊंगा, क्योंकि जिसके पॉइंट मेरे को पता है 9504 दोस्तों, ठीक है। अब एलेना का हमें कुछ डिसाइड ही नहीं है दोस्तों, कुछ भी गिवन नहीं है एलेना का, तो क्या हो सकता है, देखिए ये रिक्त स्थान किसके लिए खाली हो सकता है, आप ये सोचिए, और सेरेना बड़ी है उससे, तो ऑब्वियस सी बात है यहां कौन आएगा, एलेना ही आएगी, जो भी नाम है, मेल हो चाहे फीमेल हो, हम तो ईएल लेके चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें पजल सेट करनी है, ना कि मेल फीमेल का पता लगाना है, ठीक है। तो अब आपको चीज समझ में आ रही है कैसे जमा रहे हैं। अभी एक बारी में वैन को तो ज्यादा होगा, क्योंकि 9504 से 9607 ज्यादा होगा, दोस्तों जीबी तो आपको पता लग गया यहाँ पे, अब जीबी से कुछ रिलेशन निकल सकता है, देखते हैं। तो जीबी बड़ा है सैम से, तो यहां मैं इसको नीचे लिख देता हूं, आपको वहां दिखाई नहीं देगा, तो जीबी बड़ा है सैम से, इस तरीके से मैंने ये पजल सेट कर रहा हूं। देखिए आपको आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा उद्देश्य समझाना है, इसलिए सब कुछ स्लो स्लो चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर इतना स्लो क्यों लेके चल रहे हैं। देखिए दोस्तों एक बार समझ में आ गई कैसे चीजें सेट होती हैं, तो कभी एक ही क्वेश्चन आपके हजारों क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, सैम की बात है हमारे पास। अब मुझे पता है सैम बड़ा है मेड से, तो मतलब मेडिसिन से, तो एम ई डी मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बस हमारे पास काम सेट हो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब आई थिंक ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो जी भी तो मैंने कॉमन लिया है, तो 8 और बच रहा है, कौन बच रहा है, ये सिर्फ मार्टिन बच रहा है, जो कि लास्ट में भाई साहब हैं, इनको भी ले लेते हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे हम, तो एम ए आर मार्टिन है, इसके अंक कितने हैं 9308। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और सारे जिनके अंक हैं वो हमने लिख दिए हैं। सैम और मेडिसिन का कोई भी शायद हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है दोस्तों, है ना, तो इनकी बात हम नहीं करेंगे, जो गिवन नहीं है ना वहीं चुप हो जाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन देखिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, अब आंसर किससे देना है, इससे देना है। आई थिंक आपको मेरा क्ल्यू लिखना है, और ये समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने ये चीजें जमाई है। तो देखिए सेरेना की रैंक क्या है तथा उसके कितने अंक हैं, अब कुछ भी नहीं है, सेरेना की रैंक फर्स्ट है
और उसके अंक कितने हैं 9801। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और इसी से हम फटाफट आंसर देने वाले हैं। तो देखिए जितना भी टाइम आपका लगेगा ना दोस्तों, सिर्फ इसको सेट करने में लगेगा, बाकी 10 सेकंड में आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं, 20 सेकंड में मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं तो। देखिएगा कितने खिलाड़ियों की रैंक श्वेतलाना से बेहतर है। श्वेतलाना मतलब एस वी माना है हमने, श्वेतलाना को आपको पता होना एस वी, ठीक है। कितने लोगों की रैंक बेहतर है देखिएगा, 1 2 ये तो कॉमन है, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अच्छा सॉरी क्वेश्चन क्या है ये समझिए, देखिए मैं भी मिस्टेक कर जाता हूं यहाँ पे। देखिए क्या क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों की रैंक श्वेतलाना से बेहतर है, बेहतर मतलब अच्छी है। तो श्वेतलाना खुद कितनी सेकंड रैंक है, तो सिर्फ एक ही बंदी है जो सेरेना है, उसकी फर्स्ट रैंक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। देखिए मिस्टेक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, कोई भगवान नहीं है जो मिस्टेक नहीं करेंगे हम लोग, हम तो ह्यूमन है, आराम से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने वाली बात है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, देखिएगा इसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि हमने सब कुछ अब मैनेज कर लिया है। ओके देखिएगा श्वेतलाना और मेडिसिन के, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा कैसे करते हैं। श्वेतलाना तथा मेडिसिन के अंकों का निम्नतम अंतर क्या होगा, कितना होगा निम्नतम अंतर क्या होगा। अब देखिए श्वेतलाना के अंक कितने हैं, 9707 अंक हैं श्वेतलाना के, आपको पता लग रहा है, ठीक है। और मेडिसिन की बात की गई है, तो अब आप मेरे को बताइए दोस्तों मेडिसिन कहां पे है दोस्तों, जीबी के बाद में है, दो यहां पे है, लेकिन पता नहीं कितने अंक हैं। मैंने कहा था ना ये भी हमें क्वेश्चन ही बताएगा कि क्या चीज होने वाली है इसमें। तो अब ये पूछा है आपसे कि निम्नतम अंतर क्या हो सकता है, निम्नतम मेरे को इसके पास में जीबी है ना इसका पता है, ठीक है। तो जीबी को मैं माइनस कर देता हूं, तो 9504 जीबी के अंक हैं, तो मैंने माइनस किया तो 203 आ गया दोस्तों, 203 इनका डिफरेंस आ गया, यहां तक 203 का अंतर है। तो मिनिमम अंतर क्या हो सकता है दोस्तों 203 से थोड़ा सा ऊपर। तो ऑप्शन देखिए आप, 502 पॉसिबल है क्या, नहीं है, 200 पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि 203 तो यही अंतर आ रहा है और मिनिमम अंतर निकालना है, मतलब ये 203 है तो कुछ तो ये कम होगा इससे और ये कुछ कम होगा, तो अंतर कितना हो जाएगा करीबन कुछ कुछ लगा के, निम्नतम मतलब क्या होता है, मिनिमम अंतर क्या हो सकता है। तो आंसर इसका सिर्फ 203 से ऊपर वाला होगा, जो कि नियरेस्ट हो, मिनिमम हो, वो क्या है 205। मिनिमम पूछा था तो 203 के मिनिमम पास में जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। अगर ये पूछता मैक्सिमम कितना है तो आप 502 भी लगा सकते थे, 305 भी लगा सकते थे, मैक्सिमम हमें क्या पता कितना है दोस्तों, समझ रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम की कहां लिमिट हो जाती मैं आपको बताता हूं, मैक्सिमम की लिमिट कहां हो जाती, 9707 से ही बात की गई है ना, 9308 को मैं माइनस करता, 9707 को 9308, क्योंकि मिनिमम मुझे पता है इतना है, मार्टिन का मिनिमम अंक कितने हैं, तो कितना आ रहा था 9 और 399, तो मुझे पता है इसका आंसर, मैं मैक्सिमम क्या दे सकता था 305 दे सकता था, 502 नहीं दे सकता था। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है मिनिमम ये हो सकता है, तो मैक्सिमम अगर आंसर देना होता तो 305 देते और मिनिमम अगर आंसर देंगे तो 203 के पास में क्या आ रहा है, 203 के पास में 205, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई थिंक मिनिमम और मैक्सिमम दो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे आपके। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न पांच में से चार दी गई रैंकिंग है किसी एक समान है, ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, किसी भी पजल में एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऑड वन आउट क्या है, अगर इन आउट वाली पजल होगी तो ऐसा होगा, मैं आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूँ ट्रिक भी बता रहा हूँ, अगर इन आउट वाली पजल होगी, अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा होगा, या तो इन इन वाले एक साथ चार होंगे और आउट वाला एक होगा, तो आउट वाला होगा वो ऑड वन आउट निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ये दे रखा हो कि आउट वाले चार हैं और इन वाला एक अंतर है तो अंदर है, तो वो इन वाला होगा ना, वो ऑड वन आउट हो जाएगा। अब यहां पे क्या कंडीशन हो सकती है, यहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है दोस्तों, रैंकिंग आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, जो फिफ्थ है 6 7 एंड 8, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये जीबी है ना, ये रिपीट है, इसलिए मैंने यहां से लिखा है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे ना, 8 ही बंदे हैं तो मैंने 8 की रैंकिंग कर दी। अब यहां देखिए सेरेना कौन है, 1 पे है, तो ये मुझे पता लग गया 1 आ रहा है, तो मतलब ऑड है, सीधी सी बात है, इसकी रैंक ऑड है। मेडिसन, मेडिसन की रैंक कितनी है 7, ये भी ऑड है। एलिना, एलिना की रैंक कितनी है 3, ये भी ऑड है। तो मुझे पता है, मुझे इवन वाला कोई मिल जाए मैं ऑड वन आउट कर दूं,
सामंथा की रैंक कितनी है? सामंथा येरी 6, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आई थिंक आपको चीज समझ में आ रही होंगी सारी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कितने खिलाड़ियों की रैंक गार्विन से बेहतर है? तो गार्विन ये रहे हमारे भाई साहब, तो यहाँ भी इसको गार्विन यही है गार्विन, तो मैंने यहाँ नीचे समझाने के लिए लिखा था आपको, आई थिंक समझ में आ रहा हो कितने कितने लोगों की बेहतर है, 1, 2, 3, 4, चार लोगों की गार्विन से रैंक बेहतर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5th भी आपका आसानी से सॉल्व हो गया, आई थिंक आपको देखिए जब एक बार सेट होने के बाद कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए दोस्तों, है ना। तो आई थिंक आपने चीज समझ में आई होगी, ये पजल आप अच्छी भी लगी होगी दोस्तों, ऐसी ही मैं इंटरेस्टिंग पजल लेवल बढ़ा बढ़ा के लेके आता रहूंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ऐसे हाई पर नहीं करना है अपन को कि अचानक से इतना बड़ा हाई लेवल दे रही है और आप घबराहट में आ गए, ठीक है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो चलते हैं अपने छोटे क्वेश्चन की तरफ, आसान क्वेश्चन की तरफ जो आपको अच्छा लगेगा और आसान भी है। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ओके दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, करते हैं इसको सॉल्व। क्या बोल रहा है, 6 लोग हैं ए बी सी डी ई एफ जिनकी आयु अलग अलग है, तो आयु की बात की गई है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा इनको, डी केवल ई तथा सी से बड़ा है, डी केवल केवल बोला है ना, तो केवल ई तथा सी से बड़ा है, ई व सी से बड़ा है सिर्फ डी, बाकी सबसे छोटा है। तो तीन बंदे तो हमारे डी, मतलब दो बंदे पीछे रहेंगे और डी खुद हो गया, समझ रहे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं, हमें अरेंज करने 6, तो ऑब्वियस सी बात है एक तीन इससे बड़े होंगे बस, ठीक है। तो 1, 2, 3 जो यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा बस, समझ रहे हैं, बस सेट होने वाली 2 मिनट की बात है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये कंडीशंस पूछी जाती हैं एग्जाम में कंटिन्यू, तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्लर्क लेवल पे तो ये पूछा जा सकता है, वो पीओ लेवल पे पूछा जा सकता है, तो कुछ भी आ सकता है, तो हम तैयार रहेंगे हर चीज के लिए दोस्तों, है ना। तो देखिए अब क्या है कि बोला है बी ए से बड़ा है, अब हमें कहीं भी सेटिस्फाई नहीं करा सकता, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि बी ए से बड़ा है, तो ठीक है होगा भाई बड़ा है, आयु की बात की जा रही है ना, समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन एफ से छोटा है, तो बी ए से तो बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है, ठीक है, एज के हिसाब से है सारी चीजें, ठीक है ना। सी सबसे छोटा नहीं है, अब बात समझ में आई, ई व सी में कुछ डिसाइड नहीं था ना हमारे पास, तो इसने बोल दिया कि सी सबसे छोटा है ही नहीं, तो मैं यहां सी लगा दूंगा और यहां मैं ई लगा दूंगा, और यहां मुझे पता लग गया कि सी सबसे छोटा नहीं है, तो ई से तो बड़ा होगा और ई सबसे छोटा हो जाएगा, चीज समझ में आ गई। अब देखिए सबसे कम आयु के व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष है, तो सबसे कम आयु किसकी हो जाएगी, 18 वर्ष हो जाएगी, ई की हो जाएगी, ठीक है, मैंने यहां नोट कर दी है आयु, ठीक है। दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 32 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता लग रहा है ये तीन जो फॉर्मेट है हमारे, ये यहां फिक्स हो सकते हैं ना, तो यहां फिक्स कर देते हैं इनको, क्या दिक्कत है, एफ बी ए, तो अब आपकी ये सेट भी हो गया है और बहुत आसानी से इसका आंसर भी देते हैं। अब अपन क्या बोला है, सब दूसरे सबसे बड़े, तो पहला ये तो छोटा छोटा है, ये बड़ा बड़ा है, तो आयु में बढ़ते क्रम क्या है, आयु यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, जो एज है यहाँ पे यंगेस्ट है, यहाँ पे ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे चीजें सारी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं ना। अब ये बोला है कि दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति, तो पहला सबसे बड़ा ये है, दूसरा सबसे बड़ा बी है, तो बी की आयु कितनी दे रखी है इसने, 32 वर्ष दे रखी है, और डी और डी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो डी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, बी से 10 वर्ष छोटा मतलब 22 वर्ष का हो गया। अब आपको आंसर देना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे होगा ही, तो देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड यंगेस्ट, दूसरा सबसे जवान, मतलब पहला सबसे यंगेस्ट तो ई है, दूसरा सबसे यंगेस्ट कौन हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी ही है, ठीक है। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा कैसे करते हैं उसको सॉल्व, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द एज ऑफ ए, अब इसने पूछा कि ए की एज क्या हो सकती है, जब पॉसिबिलिटी आ जाए ना तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इंटरवेल हमारे पास गिवन है, ए की एज क्या होगी, 32 से तो छोटा होगा, ठीक है, लेकिन 22 से बड़ा होगा, क्योंकि ए बी और डी के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो 32 से छोटा और 22 से बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आपका आंसर आ जाएगा, 25 वर्ष इसकी उम्र आ जाएगी दोस्तों, ए की एज 25 वर्ष आ जाएगी। किस तरीके से लॉजिक लगाया हमने, कि इंटरवेल वाला लॉजिक लगाया, आई थिंक आपको ये इस क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा और ये चीज समझ में आई होगी, है ना। तो ओके दोस्तों, ये था आज का हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग सिटिंग अरेंजमेंट आपके लिए लेके आने वाला हूं, क्योंकि बहुत यूजर्स की डिमांड है कि सर सिटिंग अरेंजमेंट करवाइए, तो बिल्कुल कैसे हर चीज का वे बताया जाएगा, ट्रिक होगी तो ट्रिक बताई जाएगी, तो बिल्कुल जुड़े रहिए, ऐसे ही मैं जल्दी आपके सामने टाइम मैनेजमेंट शानदार वाला लेके आने वाला हूं, तो आप बेफिक्र रहें, उसके बाद आपकी तैयारी में अचानक से बूस्ट आ जाएगा,
क्योंकि मैं सब कुछ एनालिसिस करके आपको देना चाहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो एग्जाम निकालने के लिए। मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए और बस आप मुझे वो दीजिए और मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।